पालघर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब तक सबसे पहले पालघर निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार के तौर पर भारती कामड़ी का नाम सामने आया। और मात्र नाम ही सामने नहीं आया बल्कि भारती कामड़ी ने अपने इस लोकसभा क्षेत्र में लगातार प्रचार सभाएं लेनी शुरू कर दी हैं और उसी के तहत 12 अप्रैल को शिवसेना उद्धव गट की इस तेज तर्रार उम्मीदवार भारती कामड़ी की प्रचार सभा महाविकास आघाड़ी की तरफ से पालघर स्थित बोईसर के एक मैदान में रखी गई, जिसमें पालघर लोकसभा की उम्मीदवार भारती कामड़ी के लिए जन आवाहन के लिए स्वयं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पार्टी सांसद संजय राउत उपस्थित हुए, जहां उन्होंने न सिर्फ उपस्थित हजारों लोगों को संबोधित करते हुए उपस्थित जन समुदाय से भारती कामड़ी को इस चुनाव में जिताने का अनुरोध किया, बल्कि सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी जोरदार हमला बोला। वहीं इस जन प्रचार सभा में हजारों की तादाद में महिला व पुरुषगण भारती कामड़ी के समर्थन में नजर आए, तो वहीं इस समर्थन में मुस्लिम समुदाय का भी भारी समर्थन भारती कामड़ी की ओर नजर आया। आप मंच की इस वीडियो पर नजर डालिए, देखिए किस प्रकार मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा काफिला महाविकास आघाड़ी की इस उम्मीदवार को समर्थन देने पहुंच रहा है। वहीं जब हमने मुस्लिम समुदाय के इस काफिले से बातचीत की तो आप ही सुनिए क्या कहा इन लोगों ने भारती कामड़ी को लेकर। इस समय पालघर जिले के बोईसर क्षेत्र में उपस्थित है। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में भाग लेने के लिए हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। वहीं पे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो वसई तालुका से इस जनसभा को सफल बनाने के उद्देश्य से आए हैं। हम बात करना चाहते हैं कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं से कि वह आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं और उनकी मंशा क्या है। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सैयद है। बबलू जी, आप यहाँ पे जनसभा में क्यों आए हो? जनसभा में उद्धव बाला साहब ठाकरे की भाषण को सुनने के लिए हम लोग आए थे। मंशा क्या है, कारण क्या है, ये जनसभा क्यों आयोजित की गई? भारती ताई कामड़ी को भावी खासदार पे नियुक्ति की गई है और हम लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं। उनको भारी मतों से विजय दिलाने के लिए हमने आश्वासन साहब को दिया है। इस कार्यक्रम में जो जनसभा थी इसमें लगभग कितने लोगों ने भाग लिया है? लगभग 10,000, मेरा अनुमान है कि 10,000 लोगों ने यहाँ शिरकत की। आप क्या उम्मीद करते हो? उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है वो मत और मजहब से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। मैं तालुका अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक विभाग, पर हमारे साथ देख लो सभी लोग आए हैं। जुम्मा का दिन था, पॉसिबल नहीं होता मुसलमानों को निकलना, फिर भी उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारी यूनिटी, हमारे मुसलमान उनके साथ काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ के उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उद्धव बाला साहब ठाकरे आगे बढ़े और मुसलमान उनके साथ अच्छा मन से जुड़ रहा है और उनके कार्यों को सराह रहा है। और उन्होंने अभी तक अपने भाषण या किसी शासन से मुसलमानों को तकलीफ नहीं दिया, ये मुसलमान अपनी आंखों से, अपने दिमाग से सोच रहा है, इसलिए मुसलमान उनके साथ जुड़ रहा है। वो मत और मजहब से ऊपर काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान को खा रहा है। मजहबी नुकसान हो रहा है, लोग मजहबी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मजहबी नारा लगा रहे हैं, ये क्या है? हिंदुस्तान को खा जाएंगे? हिंदुस्तान मिसाल है, हिंदू मुसलमान के लिए मिसाल है और अदर कास्टों के लिए मिसाल है। सब मिलजुल के रहते हैं हिंदुस्तान में। ये जो बांटने का काम हो रहा है उसको रोकने का काम हो रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, इसलिए हम रोकने के साथ है, हम लोग बांटने के साथ नहीं है। कोई भी शख्स इसमें जो है उद्धव बाला साहब से इसलिए जुड़ रहा है कि भाई उन्होंने हमें अपनी जबान से ना ही अपने कार से नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हमारा दायित्व है कि हम उनको आगे बढ़ाएं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हिंदुस्तान जब पीछे जा रहा है तो हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? आगे हम नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा? घरों में रहेंगे तो क्या होगा? बाहर निकल के आओ और जो लोग काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के बचाने के लिए उनके साथ जुड़ो, क्योंकि राजनीति ऐसा रास्ता है जिससे तुम हिंदुस्तान को बचा सकते हो। घर में एक दूसरे से पंचायत करके, न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, ये फैसले होते हैं यहाँ, इसलिए इनको पहुंचाओ। हमारी भारतीय कामड़ी जब वहां जाएगी तो फैसले करेगी पालघर जिला के लिए,
उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ताई हमारी वहाँ पहुँचे और हम लोगों के लिए फैसले करे, हमारी तकलीफों को दूर करे जो यहाँ तकलीफें बसी हुई। उद्धव बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। यहाँ पर उपस्थित मुस्लिम कम्युनिटी ने खुल करके भारतीय कामड़ी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सर जी क्या कहना चाहोगे, आखिर क्या विशेषता है कि भारतीय कामड़ी के समर्थन में आप इतनी बड़ी तादाद में जन समुदाय उतर के आया है? साहब हम लोग उनके साथ हैं, साथ में रहेंगे और हमारी विचारधारा है। कहाँ से आया? नारा से पारा प्रगति नगर से। सर क्या कहना चाहते हो? हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो सभा जो आयोजित थी यहाँ पे अमरताई को आगे बढ़ाने के लिए, हम उनको समर्थन करने के लिए आए हैं और पूरे हमारे सब जितने जान पहचान के लोग हैं सब लोग समर्थन के लिए आए हैं। हम लोग उसमें से जिसके पास टाइम था नहीं था वो लोग मतलब बोले कि भाई चलो तुम लोग, हम लोग इंशाल्लाह फिर दूसरी बार नेक्स्ट टाइम के लिए आगे रहा तो फिर हम लोग इंशाल्लाह आएंगे। हाँ और सब लोग साथ में है कि भारतीय ताई को आगे बढ़ाया जाए और उनको बहुत मतों से आगे बढ़ा करके उनको आगे भेजा जाए। बड़ी बात यह है कि हमें इस वक्त शिवसेना ने जो जिला अध्यक्ष दिया है हमारे पंकज दा उद्धव गुट ने, हाँ उद्धव गुट ने, हमारे दादा पंकज देशमुख एक्टिव पर्सन है। आप पूरे 10,000 पब्लिक में से अगर किसी एक से पूछते तो आधे रिंग में फोन उठता है, व्हाट्सएप आपका जाएगा नहीं देख लेंगे रिप्लाई, एक्टिव सुबह 7 बजे से रात में 12 बजे तक उनका फोन एक्टिव रहता है, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। अब ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ोगे तो खुद का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं, उन्होंने अपना बना रखा है, कमा रखा है, सब कुछ है, उनको क्या दिक्कत है? सही है एकदम। दिक्कत आवाम की है, अगर आवाम नहीं साथ देगी तो फिर पछताएगी, पछतावे से कुछ नहीं होता, वक्त रहने पे फैसला करो। सही है सही है। पंकज देशमुख को आगे बढ़ाओ, भारतीय ताई को आगे बढ़ाओ, उद्धव साहब ठाकरे खुद ब खुद मजबूत हो गए, स्थानिक लोग स्थानिक लोगों को आगे बढ़ाओ, उद्धव साहब तो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे, आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोगों को उन्होंने हमें दिया है सिपाही बना के कि जाओ काम करो शिवसेना के लिए, बाला साहब ठाकरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के लिए, तो वो काम कर रहे हैं। अब हमारा काम है कि उनको मजबूत करें, हम कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं तो उसके साथ मत और वोट सपोर्ट वो भी लगेगा, इसलिए वो करो। आज ईद का सुनहरा मौका है, सभी भाई बहनों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। भारतीय ताई कामड़ी एक सामान्य कार्यकर्ता है, एक सामान्य जनता की वो बोलते ना उम्मीद है, सामान्य जनता की बुलंद आवाज है भारतीय ताई कामड़ी। पालघर जिले में 1.5 से 2 लाख मत लेके जीतने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। बेशक 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 कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब समाज के स्तरों से उनको बाठीमा मिल रहा है, उनको बहुमत मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इसका ये आज का जो हुआ है बहुत बड़ा मात्रा में आज की से सभा हुआ है। 50,000-1 लाख के आसपास मतलब ऊपर की मात्रा में जनता आई थी। ये पालघर के जिले के बोईसर के जो अंबरगढ़ ग्राउंड है, ये जो मैदान है ये पूरा खचाखच भर गया था, यहाँ पे बैठने के लिए खड़े रहने की जगह नहीं था। भारतीय ताई कामड़ी पालघर जिले की बुलंद आवाज है, भूमिपुत्र की आवाज है और वार्ड 1 जो मंदिर जो बन रहा है यहाँ पे, जिसके खिलाफ पालघर वासी जो खड़े हैं, जो बुलंद आज पूरा अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, किया पूरा कि हमको ये हुकुमशाही नहीं चलेगी, पालघर में ये टोकशाही नहीं चलेगी। इतना बोलते मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय जय। भारतीय कामड़ी के पक्ष में लगातार मैंने आह्वान किया है, खासतौर से बड़ी बात यह है कि वसई तालुका से बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक यहाँ पे इस सभा में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इस सभा को सफल बनाने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं।